निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे, मुठ्ठी भर अनासर को पूरे मुआशरे को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। एक कौम एक कानून और सिर्फ पाकिस्तान के नारे की गुंजाइश है। मजीद कहते हैं किसी को कोई उम्मीद, खुशफहमी या गलत फहमी है तो दूर कर ले। सियाहत, मादनियात, तवानाई समेत दीगर इक्तसादी मौके से फ़ायदा उठाने के लिए तवील मुद्दत हिकमत अमली पर काम किया जाएगा। इसके साथ साथ सियासी, माशी और दीगर मसाइल उजागर करने के लिए PTV पर शीना और बल्ती जमान में टॉक शो शुरू करने के लिए हिदायत भी जारी कर दी हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर का गिलगित में 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल अमराज़ कर्ब के पहले हस्पताल का इफ्तिताह हो गया है। लागत 4 अरब 60 करोड़ रुपए आई है और हस्पताल के पहले मरहले में OPD को ऑपरेशनल कर दिया गया है। आइंदा साल जून तक ये हस्पताल मुकम्मल तौर पर फार हो जाएगा और निगरान वज़ीर आज़म को इस हस्पताल में जो एमरजेंसी है, ICU, CCU, बच्चों के वार्ड्स, सर्जरी वार्ड समेत तमाम जो मौजूदा सहूलियात हैं उनसे मुतालिक ब्रीफ किया गया है। बात करेंगे निगरान वज़ीरे इत्तला'आत मुर्तज़ा सोलंगी के ट्वीट के हवाले से, जिनका कहना है हुकूमत और रियासत पाकिस्तान की नुमाइंदगी हुकूमती इदारे करते हैं। निगरान हुकूमतें किसी भी गैर रियासती और गैर हुकूमती फर्द या इदारे को ऐसी किसी भी सरगर्मी के लिए नामजद किया है, ना कोई ऐसा शख्स इदारा रियासत हुकूमत की नुमाइंदगी कर सकता है। अहम मुलाकात हुई है निगरान वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम से सूबाई वज़राए कानून की, जिसमें आइंदा आम इंतखाबात से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है और आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के जो हुकूमती अज़्म है उसको दोहराया गया है। इंतखाबात की तारीख का ऐलान, ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। वज़राए कानून का जम्हूरी असूलों को बरकरार रखने और इंतखाबात का शफाफ इनेकाद यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर। मईशत के हवाले से अच्छी खबरें हैं कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में मुसलसल इस्तेहकाम जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 1.07 रुपए हो गया है मजीद सस्ता और कीमत 298.82 रुपए हो गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी देखनी जा आ रही है और 100 इंडेक्स 82 पॉइंट्स के साथ 45,590 पर बंद हुआ है। प्रोग्राम में बात होगी माशी माहरीन की आरा के हवाले से, जिनका यह कहना है कि पाकिस्तान अफगान ट्रांजिट ट्रेड के मुल्की मईशत पर गहरे और मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। अफगान ट्रांजिट ट्रेड पाकिस्तान में ब्लैक इकोनॉमी की बुनियादी वजूहात में से एक है और अफगान दरामदा 67% हैं, जो कि समझ से बालातर है। इतना इजाफा पाकिस्तान की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री जो है वो इससे बुरी तरह मुतासिर हो रही है, लिहाजा अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुल्की की बहाली के लिए दुनिया में राइज आलमी कवानीन के मुताबिक होनी चाहिए। इस पर भी बात होगी। मुल्क भर में बिजली चोरों और कुंडा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां हैं जारी। बिजली की तकसीमकार कंपनियों के जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में हो रहे हैं क्रैकडाउन। लेस्को रीजन में बिजली चोरी के 411 केस पकड़े गए हैं, मुकदमा भी दर्ज हो गए, 6 मुलजमान भी गिरफ्तार, भारी जुर्माने भी आए। नैपको रीजन और कैस्को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई, बिलों की अदम अदायगी पर 25 से जायद ट्रांसफार्मर्स उतार दिए गए हैं। कोयटा में और नाजिया कोयटा के अंदर भी हम देख रहे हैं कि 475 टन चीनी जो है वो बरामद की गई है, 2 गोदाम सील किए गए हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी कार्रवाइयों के दौरान गैर कानूनी तौर पर जखीरा की गई चीनी की हजारों बोरियां जो है वो कब्जे में ले ली गई हैं। और मजाहिया अदाकार सफीरुल्ला सिद्दीकी अलमारूफ लहरी को ट्रिब्यूट पेश करेंगे, जिनको मद्दाहों से बिछड़े 11 बरस बीत चुके हैं। 220 से जायद फिल्मों में उन्होंने काम किया। मुनफरिद लबो लहजे में बोले जाने वाले मुकालमे लहरी की पहचान थे। फने अदाकारी में खिदमात के एतराफ में लहरी को 12 नगार अवार्ड और सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया।
न्यूज शो एट सिक्स में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपके साथ, आपका मेजबान अयाज असलम, और हमारे साथ मौजूद होंगी नाजिया खान। और नाजिया, सबसे पहले आज प्रोग्राम में अगर हम बात करें तो अपने नाज़रीन को बताते चलें कि बात होगी वज़ीर आज़म के दौरा गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, जिनमें उन्होंने ना सिर्फ वहाँ पर मौजूद मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों से मुलाकात ही की है, बल्कि साथ ही साथ वज़ीर आज़म ये भी कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की जो आवाम है उनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। और क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के आवाम इंतहाई मेहमान नवाज और अमन पसंद हैं, चंद मुट्ठी भर शरपसंद अनासर को पूरे मुआशरे को यरगमाल बनाने नहीं देंगे। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे अरसलान असद ने एक रिपोर्ट भी तैयार की है, आपको दिखाते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकर ने गिलगित बल्तिस्तान के दौरे के दूसरे दिन मकामी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उन्हें गिलगित बल्तिस्तान में कयाम के दौरान मकामी लोगों से जो अपनियत, एहतराम और मोहब्बत मिली वो उसे कभी नहीं भुला सकेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के लोग मुख्तलिफुल नस्ल, मुख्तलिफुल ज़बान और अकायद रखते हुए भी एक गुलदस्ते की तरह रहते चले आ रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के माशरे में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पाकिस्तान के हवाले से मिली यकजहती और इत्तेहाद की सोच फिक्र की हकीकी अकासी नजर आती है। उन्होंने कहा कि किसी भी महजब माशरे में ताकत, जोर और जबर पर मबनी जंगल का कानून नहीं चल सकता। रियासत की अमलदारी और कानून के यकसान निफाज को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। मैं गिलगित बल्तिस्तान के लिए, यहाँ के लोगों के लिए यही पैगाम लेकर आया हूँ कि एक दूसरे के हकूक का एहतराम, और रियासत की जिम्मेदारी ये है कि उन हकूक के एहतराम की इन्फोर्समेंट कर सकेंगे। अगर कोई ये समझता है कि इस भाईचारे को जो यहाँ पे मौजूद है, जो यहाँ के समाज में मौजूद है, जो यहाँ के अकदार में मौजूद है, जो यहाँ के कल्चर में मौजूद है, उसको डिस्टर्ब कर सकेगा, उसको तब्दील कर सकेगा, वो उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमारे यहाँ कुर्बतें ज़्यादा हैं, दूरियाँ कम हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकर ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के हौसले यहाँ के पहाड़ों की तरह बुलंद व बाला है। यहाँ की सरजमीन की खूबसूरती और आवाम की मेहमान नवाजी की कशिश के बायस न सिर्फ मुल्क बल्कि दुनिया भर के सयाह यहाँ खिंचे चले आते हैं। चाहेंगे कि यहाँ के लोग अपने पाँव पे खड़े हों, एक पुरवकार जिंदगी गुजारें, बहैसियत पाकिस्तानी उनका उनके जो शनाख्त के सवालात हैं वो भी जल्द उनके आईनी जवाबात मिल जाएं, और उसके लिए जो काविश वफाकी हुकूमत के तौर पे हमसे होगी, इंशाल्लाह हम आपको यकीन दिलाते चलें कि वो हम करेंगे। ऐसे लोग अगर वो ये समझते हैं कि वो किसी एक एजेंडे पर बाकी मांदा माशरे को हॉस्टेज बना लेंगे तो इसकी इजाज़त हम किसी को भी नहीं देंगे। वन नेशन, वन लॉ, वन स्लोगन, और वो है पाकिस्तान। जिस किसी को किसी और हवाले से, किसी से कोई उम्मीद है या खुशफहमी है या गलतफहमी है, वो दूर कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकर ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर, वज़ीर आला समेत आमायदीन से मकामी लोगों को दरपेश मसाइल, उनके हल पर तफसीली बातचीत हुई। यहाँ कानकनी मादनियात, सयाहत और सड़कों के नेटवर्क को बेहतर करने के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन तआवुन करेगी। सहाफियों के सवाल पर निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि कराकुरम यूनिवर्सिटी के माली मसाइल के हल के लिए भी बात हुई है, इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत हर मुमकिन तआवुन फराहम करेगी। गिलगित बल्तिस्तान में पीटीवी ब्यूरो ऑफिस के क़याम से मुतल्लिक सवाल पर निगरान वज़ीर आज़म ने कहा इन सिलसिले में निगरान वज़ीर इत्तला'आत से बात हुई है और यहाँ पीटीवी सेंटर के कयाम का जायजा लेने के लिए हिदायत की है, जल्द इस पर फैसला होगा। इस दौरान मकामी ज़बानों शीना और बल्ती में पीटीवी पर हफ्ते में दो दिन टॉक शोज होने चाहिए। इससे पहले निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकर ने गिलगित में अमराज कल्ब के अस्पताल का दौरा किया। अस्पताल आमद पर वज़ीर आला और गवर्नर ने निगरान वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। निगरान वज़ीर आज़म ने अस्पताल का इफ्तिताह किया। पहले मरहले में अस्पताल की ओपीडी में अमराज कल्ब में मुब्तला मरीजों का इलाज हो सकेगा। इस मौके पर वफाकी वज़रा मुर्तज़ा सोलंगी, डॉक्टर नदीम जान और सरफराज बुक्टी भी निगरान वज़ीर आज़म के हमराह थे। गिलगित बल्तिस्तान में अमराज कल्ब का यह वाहिद अस्पताल है। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि 4.6 अरब रुपए की लागत से तामीर होने वाला अस्पताल 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल है, जिसमें अमराज कल्ब के इलाज की जदीद सहूलियात मुयस्सर हैं। अस्पताल में इमरजेंसी, ICU, CCU, बच्चों का वार्ड और सर्जरी की सहूलियात मुयस्सर हैं। अस्पताल आइंदा साल जून तक मुकम्मल फाल हो जाएगा। अरसलान सदकटखेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।
आपने बड़ी डिटेल असद यार खान की रिपोर्ट देखी जिसमें निगरान वजीर आजम जो है गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद, वहाँ पर उन्होंने तमाम मकातब फिक्र के लोगों से मुलाकात भी की, फिर मीडिया टॉक भी की और बताया कि हम सारे जो हैं वो गुलदस्ते के मानिंद हैं और कुछ मुट्ठी भर अनासर, अगर कुछ शरपसंद अनासर ये चाहते हैं कि मुल्क में बदमनी हो तो यकीनी तौर पर वो कामयाब नहीं हो सकेंगे। निगरान वफाकी वजीर इत्तला'आत मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने एक बड़ी अहम ट्वीट की है, आपके सामने रखते हैं। वो ये कहते हैं कि हुकूमत और रियासत पाकिस्तान की नुमाइंदगी जो है वो रियासत और हुकूमत के इदारे करते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारी हुकूमत ने किसी गैर रियासती या गैर हुकूमती फर्द या इदारे को ऐसी किसी सरगर्मी के लिए नामजद किया है और ना ही कोई ऐसा शख्स या इदारा हुकूमत की नुमाइंदगी कर सकता है, ऐसा कहना है निगरान वफाकी वजीर इत्तला'आत मुर्तज़ा सोलंकी का, जिनकी ये ट्वीट हमने आपके साथ शेयर की है। और अभी आपको आगाह करते हैं कि स्कर्दू में बैरून मजाहब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्किद की गई जिसमें मुख्तलिफ अदियान के जो नुमाइंदा शख्सियात हैं उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया और पाकिस्तान में मौजूद अमन और हम आहंगी के खुशगवार माहौल पर भी रोशनी डाली। और नाजिया, अगर हम इस कॉन्फ्रेंस की बात करें, इस हवाले से भी बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस रही है कि गिलगित को लेके जिस तरीके से हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है एक प्रोपेगेंडा कर रहा है उसकी तनाजुर में ये कॉन्फ्रेंस बहुत ज्यादा जरूरी थी। कासिम नसीम हमारे नुमाइंदे हैं, उन्होंने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है, नाज़रीन पहले आपको ये दिखाते हैं फिर उस पर मजीद बात करते हैं। 30वां सालाना इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस हुसैन सब का स्कर्दो में मुनक्किद हुई। कॉन्फ्रेंस में मुल्क के नामवर उलमा के अलावा दीगर अदियान के नुमाइंदा शख्सियात ने शिरकत की। इस्लामी नजरियाती कौंसिल के रुकन सैयद जियाउल्लाह शाह बुखारी, रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद, हिंदू कम्युनिटी के नुमाइंदा चेयरमैन वजीर आजम टास्क फोर्स गंधारा टूरिज्म डॉक्टर रमेश कुमार, सिख कम्युनिटी के नुमाइंदा सफीर करतारपुर राहदारी सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, ईसाई कम्युनिटी के नुमाइंदा पादरी सज्जाद मसीह, जबकि नामवर आलमदीन सैयद तैयब शाह गिलानी, मौलाना अब्दुल्ला वारिसी, सैयद नासिर शिराजी और नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सदर अनवर रजा समेत दीगर मुकर्रीन ने अपनी तकरीरों में कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है, यहाँ न सिर्फ इस्लाम के मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के दरमियान बल्कि मुख्तलिफ अदियान के लोगों के माबेन मिसाली हम आहंगी और भाईचारगी की फजा कायम है। इस कॉन्फ्रेंस से बहुत ही दूरस नतायज निकलेंगे और इत्तेहादी उम्मत का एक बहुत पैगाम यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह नशर हुआ है। इसके लिए ये एक बहुत बड़ा पैगाम था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का फैजान अगर ऐसे ही जारी रहेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी आने वाली नस्लें भी इस फैजान से फ्यूज़ो बरकात हासिल करती रहेंगी। आज यहाँ वहादत का पैगाम किया है, वतन के दुश्मनों के लिए ये पैगाम किया है कि हम आपस में इकट्ठे हैं, दुश्मनान पाकिस्तान के मुकाबले में, दुश्मनान इस्लाम के मुकाबले में। ये इलाके में क़याम अमन भाईचारगी और बैन मजहब हम आहंगी के लिए इंतहाई एक शानदार जरिया साबित हो रहा है। इस नौयत की महाफिल से इस अमन हम आहंगी के माहौल में और बेहतरी आएगी। कासिम नसीम, PTV न्यूज़, स्कर्दो। नाज़रीन, कासिम नसीम की रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की और इस रिपोर्ट के अंदर हमने एक चीज़ जो देखी, तमाम मज़ाहिब के हम देखें या मसाले की हम बात करें नाज़िया, तो उन्होंने एक बड़ा वाज़े पैगाम दिया, शुरका के शॉर्ट्स भी आपने सुने और उन्होंने ख़ास तौर पर उस दुश्मन को यह पैगाम दिया कि जो स्कर्दू के अंदर ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक ऐसी इंसर्जेंसी जो है क्रिएट करना चाह रहा था कि शायद दुनिया को ये दिखाना चाह रहा था कि वहाँ पर जो हालात मामूल के मुताबिक नहीं है, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस ने हमने देखा कि दुनिया को ये बता दिया कि किस तरीके से हमारा दुश्मन हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। बिल्कुल जी, अगर जहाँ भारत की बात आती है तो वो कौन सा ऐसा मौका है जो अपने हाथ से जाने देगा। पाकिस्तान में अब हम देख रहे हैं कि मईशत अपने पांव पे खड़े होने को है, सियासत के हवाले से हम देख रहे हैं ठहराव आके चीजें दुरुस्त समत में जा रही हैं, तो वहां पर ऐसे में वो चीज आयाज उनके लिए हजम करना जरा मुश्किल है। तो अच्छा, इस पे हम बात कर लेते हैं, ज़रा कंसर्न अथॉरिटी से बात करना बहुत जरूरी है इसके हवाले से। और निगरान वफाकी वजीर मजहबी उमूर है अनीक अहमद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अनीक साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो इस बैनुल मज़ाहिब बैनुल मसालिक कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे जो कि स्कर्दू के अंदर जिसका एहतमाम किया गया। सर आप क्या समझते हैं कितना अहम पैगाम उस दुश्मन को गया है इस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो ये चाह रहा था कि गिलगित बल्तिस्तान जैसे पुरअमन और खूबसूरत इलाके को अपने प्रोपेगेंडे की नजर किया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए कि ये बैनुल मज़ाहिब हो या बैनुल मसालिक जो मुकालमा है वह जरूरी है, जब तक मुकालमा नहीं होता मसाइल के हल तक हम नहीं पहुंच पाते। ये बहुत अच्छी कोशिश है और हम मुसलसल ये कोशिशें कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं। अभी हमने पाकिस्तान में ये अपना इस्लामाबाद में हमने एक इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो डिप्लोमेट्स हैं उन्हें बुलाया और 25 से ज़्यादा ममालिक के नुमाइंदे आए और उन तक बताया कि ये पाकिस्तान का जो पीस है उसको ख़त्म करने के लिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ साजिशें हैं, कुछ दाखिली हैं, कुछ खारजी हैं,
उन सब का मुकाबला करना है, और वो मुकाबला उसके सिर्फ एक तरीके से नहीं हो सकता, सिर्फ एक शोभा ही नहीं, ये असल में हर एक का अपना अपना एक किरदार होता है, तो वो किरदार अदा किया जा रहा है। इसमें हमारे जो मौजूदा उलमा हैं खास तौर पे वो किरदार अदा कर रहे हैं, और जो कॉमन ग्राउंड्स हैं, असल में कॉमन ग्राउंड तलाश करने की जरूरत है जिस पर मिलकर हम बात आगे बढ़ाएं, वो ख्वाह इंटरफेथ हो या इंट्राफेथ। जी जी जी। अच्छा अनीक साहब, सर ये फरमाइएगा कि हमने देखा कि निगरान वज़ीर आज़म जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में गए, वहाँ उन्होंने दौरा किया, तमाम मकातब फिक्र के लोगों से काफ़ी डिटेल उन्होंने मीटिंग की, उनके कंसर्न सुने, तो सर आप क्या समझते हैं कि जो भी कंसर्न्स हैं वो आने वाले वक्त में सॉल्व हो जाएंगे, और ये जो मामला जिसको प्रोपेगेट किया जा रहा है और इश्तियाल अंगेज कहा जा रहा है, ये खुद ही दम तोड़ देगा? यकीनन, देखिए कोशिशें करना वो हर इंसान के लिए ज़रूरी है, हम भी अपनी ज़िंदगी में जो भी काम करते हैं उसके लिए कोशिशें करते हैं। जो गवर्नमेंट होती है, जो हुक्मरान होते हैं, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो दौरा, और जो एक कुछ बातें कुछ खबरें ऐसी आई थीं कि जो मुल्क दुश्मन लोग हैं वो हालात ख़राब करना चाहते हैं, वजीर आजम साहब ने इसकी ज़रूरत को महसूस किया और ख़ुद तशरीफ ले गए, और उन्होंने बहुत सारे काम किए, और इस सिलसिले में जो आपके सामने हैं मीडिया पर आए हैं। जैसे आपने जो सवाल किया ना कि यह क्या ये तमाम चीज़ें कामयाब बराबर वगैरह, देखिए नेक नीयति के साथ किए जाने वाला कोई भी काम जो होता है वो अपने साथ एक, मैं तो इसको कहता हूँ अल्लाह की ताईद, एक बरकतें होती हैं, बरकत लाता है कि नीयत क्या है, वो वजीर आजम साहब हों या जो मुख्तलिफ इदारे जो काम कर रहे हैं, वो सरकारी इदारे, उनकी नेक नीयति पर कोई शुबा नहीं किया जा सकता, काम हो रहा है। और मैं कुछ जिस तरह आपने कहा क्या खत्म हो जाएगा वगैरह वगैरह, लेकिन मैं कोई दावे नहीं करता कि हम ये कर लेंगे वगैरह वगैरह, जो बहुत सारी बातें आपने बयान फरमाई, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम दुरुस्त समत में हैं? हाँ हम दुरुस्त समत में हैं। क्या हम नेक नीयत हैं? हाँ हम नेक नीयति के साथ ये काम कर रहे हैं। क्या हम में सलाहियत है, विजन है? जी हाँ, वजीर आजम साहब और उनकी पूरी टीम नेक नीयति के साथ, सलाहियत के साथ, विजन के साथ और इखलास के साथ ये काम कर रही है, और इसके समरात इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देख लेंगी। अनीक साहब, साथ ये फरमाइएगा, इससे पहले अगर हम इन वाक्यों को इंटरलिंक करें तो हम देखते हैं कि एक कोशिश, एक भोंडी साजिश की गई इससे पहले जड़ावाला के अंदर भी, उसमें भी हमें ये नज़र आया कि बाकायदा तौर पर एक साजिश की गई थी, पर उसके बाद हमें ये गिलगित बल्तिस्तान का इलाका, खूबसूरत इलाका, वहाँ पर एक साजिश नज़र आती है। सर ये जो तमाम सूरत हाल अभी हम देख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से ये प्रोपेगेंडे को जो है फैलाया जा रहा है, इससे निमटने के लिए हुकूमती सतह पर जो इकदाम किए जा रहे हैं, खासतौर पर बैनुल मज़ाहिब हो हम आहंगी, बैनुल मसाले महंगी हो, सर इस हवाले से हमारे देखने वालों को आगाह कीजिएगा। जी मैंने जैसे अभी कहा ना, इसके लिए मुकालमा जरूरी है, तो हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि वो जो दो तीन चार पांच जो लोग भी हैं वो बैनुल मसालिक हों या बैनुल मजाहिब हों, उनको साथ बैठकर सर जोड़कर बातें बात करें वो, और इन मसाइल का हल निकालें। जैसे मैं अभी अर्ज कर रहा था कि मुकालमे के बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता, पहले मालूम तो हो ना, मतलब ये कुछ मिसकॉन्सेप्शन हैं उनको दूर किया जाए। मैं आपके ताल्लुक से बदगुमान हूँ, आप मेरे ताल्लुक से बदगुमान हैं, इसकी वाहिद शक्ल या वाहिद हल इसका है मुकालमा, बैठकर बात तो किए जाए ना, क्या वो ग्रीवेंसेस हैं जिनके बुनियाद पर इतनी बात आगे चली जाती है, माशरे का गुदाज खत्म होता है, तलखियां पैदा हो जाती हैं। वजीर आजम साहब का जो दौरा है वो उसी सिलसिले की एक कड़ी है, हमने जड़ावाला जाकर बात की, हमने जो जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि इंटरफेथ कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, हमने एक बहुत बड़ी इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस यहाँ कराई इस्लामाबाद में, जिसमें वो मुसलमानों के साथ साथ जो हमारे मसीही भाई हैं, हमारे सिख भाई हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, ये तमाम लोग शरीक हुए, और हमने मुकालमे की बात की, कॉमन ग्राउंड्स की बात की कि ये कॉमन ग्राउंड्स हैं, ये जो जो हमारा जो रिलीजियस लैंडस्केप है उसे खराब नहीं होना चाहिए, आदमी बात करे और वो उसमें एक फ्रैंकनेस हो, लेकिन एक हम्बलनेस भी हो,
कि मैं आपसे खुलकर बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं मुझ में शाइस्तगी भी है, मुझ में एक बुर्दबारी भी है, मैं आपकी बात सुनना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ आप भी मेरी बात सुने, और फिर आपका कोई भी मसलक हो या आपका कोई भी मजहब हो, हम पहुंचेंगे एक कंक्लूजन पर, और वो कंक्लूजन क्या होगा कि जो आप का मुस्तकबिल भी महफूज करे और जो मेरा मुस्तकबिल भी महफूज करे, जो आपकी नस्लों को भी महफूज रखे, जो मेरी नस्लों को भी महफूज रखे। बहुत काम है और इस पर अल्हम्दुलिल्लाह लगे हुए हैं, और इस वक्त पूरी कैबिनेट वजीर आजम साहब की निगरानी में उनकी हिदायत के मुताबिक काम कर रही है। जैसे मैंने अर्ज किया कि बहुत जल्द इसके नतायज सामने आ जाएंगे और आने शुरू हो गए हैं। बस आप एक काम ये सिर्फ करें, आप सिर्फ एक काम करें, ये करें कि लोगों को मायूसी से निकालें। सर मैं इसी पॉइंट पर आना चाह रही थी, बिल्कुल जो आपने एंड पे बात की है ना, मैं वही पॉइंट रेस करना चाह रही थी कि चौथा सतून जो रियासत का है मीडिया, उस किरदार को सर आप कैसे देखते हैं, किस तरह से मौसर अंदाज में मीडिया अपना किरदार अदा कर सकता है ताकि जिस हम आहंगी के लिए, जिस इत्तेहाद के लिए, जिस इत्तेफाक के लिए हुकूमत इकदाम कर रही है उसमें मजीद जो है वो असर पैदा हो सके। जी मेरा ताल्लुक भी मीडिया ही से है, आप लोग जानते हैं मैं पिछले 25 साल से मीडिया के साथ एसोसिएटेड हूँ। मीडिया की बहुत दूर तक आवाज जाती है, तो मीडिया पहला काम ये करे और कर रहा है, मीडिया जाहिर है बेहतरीन लोग हैं मीडिया में, कि लोगों को मायूसी से निकालें, शिकवा शिकायत की जगह इनकी जबानों पे शुक्र के अल्फाज हों, और इन्हें बताया जाए कि जब शुक्र अदा किया जाता है तो अल्लाह नेमतों में इजाफा कर देता है। तो नेमतों में इजाफा कैसे होता है, इस पर बात की जाए। मायूसी इस कौम का मुकद्दर क्यों बन गई है, हमारा आने वाला हर आने वाला कल पिछले कल से बेहतर होना चाहिए, और उसमें एक एक एक, एक जज्बा चाहिए, उसमें एक अल्लाह से ताल्लुक चाहिए, उसमें एक एक कमिटमेंट चाहिए। मैंने जैसे अभी अर्ज किया कि हाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन क्या हम में इतनी सलाहियत है कि इन प्रॉब्लम्स को शिकस्त दे दें? हाँ शिकस्त दे दें। मैंने भी अर्ज किया था कि हर शख्स का अपना काम है, मुझे अपना काम करना चाहिए, आपको अपना काम करना चाहिए, जो हमारे बड़े इदारे हैं उन्हें अपना काम करना चाहिए। मीडिया रियासत का सुतून बन चुका है, तो मीडिया जो पैगाम दे वो पैगाम दे कि जो आने वाले कल को रोशन बनाए, जो अवामुन्नास में एतमाद पैदा करे, इनके इरादों को मुतजलजल ना करे बल्कि इनके इरादों को पुख्ता करे, पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा और आने वाला कल बहुत रोशन है, बहुत ताबनाक है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनीक अहमद साहब, वफाकी वजीर मजहबी उमूर आप हमारे साथ मौजूद थे, और जो बात आखिर में उन्होंने कही नाजिया वो एक बड़ा हमारे लिए एक पॉइंट है, एक नुक्ता है पूरी कौम के लिए कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो इंतहाई रोशन और ताबनाक है, लेकिन हर एक को अपना अपना किरदार अदा करना है, तभी जाके हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर गामजन होगा। कुछ मजीद मौजूदात पर भी हमारी बात रहेगी, लेकिन अभी वक्त हुआ चाहता है रावलपिंडी इस्लामाबाद और इसके मजाफात में आजान मगरब का, आइए आजान सुनते हैं। الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد الصلاة
प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे इंटरफेथ हारमनी के हवाले से और इस पर वफाकी वजीर मजहबी उमूर जो है हमारे साथ मौजूद थे। और अब कुछ बात कर लेते हैं नाजिया पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। और हम देख रहे हैं कि हर गुजरता दिन पाकिस्तान की मईशत के लिए एक अच्छी खबरें लेके आ रहा है। आज भी हमने देखा, सबसे पहले अगर हम डॉलर की बात करें, क्योंकि डॉलर एक ऐसी चीज है मुल्क के अंदर कि जैसे ही इसकी कीमतें फ्लक्चुएट होती हैं तो मुल्क के अंदर महंगाई का एक तूफान आ जाता है। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिन से पाकिस्तान के अंदर रुपये की जो कदर है वो मुस्तक कम हो रही है और डॉलर जो है उसमें कमी वाकई हो रही है। इंटरबैंक में डॉलर जो है वो 1.07 रुपए कमी के बाद 298.82 रुपए पर आ गया है। और इसकी कीमतें खरीद की अगर हम बात करें नाजिया, ये हम देखते हैं कि 297 रुपए और कीमतें फरोख जो है वो 300 रुपए पर है। जी बिल्कुल। और अगर हम अपने नाजिन को बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल, तो इसमें अच्छी खबर यह है कि तेजी का रुझान हमें देखने को मिल रहा है और 100 इंडेक्स में 82 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है जनाब, जिसके बाद 100 इंडेक्स 45,590 पर आज बंद हुआ है। और स्टॉक मार्केट में 10 करोड़ 27 लाख रुपए से ज़ायद शेयर्स का कारोबार हुआ है, जिसकी अगर टोटल मालियत की हम बात करें तो वो बनती है कोई 3 अरब 80 करोड़ रुपए से ज़ायद। और 222 कंपनीज ऐसी हैं जिनके शेयर्स की कीमतों में इजाफा देखने को मिला है। 133 कंपनीज के शेयर्स ऐसे हैं जिनकी कीमतों में कमी वाकई हुई है, जबकि 42 कंपनीज के शेयर्स में कोई तब्दीली वाकई नहीं हुई है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान देखने को मिल रहा है। और डॉलर जिसकी जो परवाज है वो काफी बेलगाम थी, उसको काफी हद तक उसके जो पर है वो कुतर दिए गए हैं। अच्छा, एक और चीज, एक और जो फैक्ट है जिसको मानना पड़ेगा पाकिस्तान के अंदर, अगर हम देखें डॉलर को नीचे लाने के अंदर और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर कीमतों में इस्तेहकाम लाने के हवाले से, तो वो ये है जनाब कि पाकिस्तान अफगान ट्रांजिट ट्रेड जो है उसके मुल्की मईशत पर गहरे और मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। माशी बहाली के लिए पाकिस्तान में जो ब्लैक इकोनॉमी की बुनियादी वजूहात है उनमें से एक जो है नाजिया वो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है, जिसको दुनिया में राज इंटरनेशनल कानून के मुताबिक करना जो है वो वक्त की बड़ी अहम जरूरत है। बिल्कुल जी, ये भी बड़ा अहम सवाल है। और ये मैं सोच रही थी कि हमारे पास जब हमारे गेस्ट आएंगे तो उनसे सवाल मैं जरूर पूछूंगी। और लकीली हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, माहिर हैं बैन अलाक़वामी उमूर के, काफी गहरी नजर रखते हैं इस तरह के सारे मामलों में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया नाजिया खान, अयाज असलम साहब, आप दोनों को सलाम, आपके देखने वालों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले तो वही सवाल जो हम आपस में भी डिस्कस कर रहे थे अभी ऑफ एयर, मैं वही जानना चाहूंगी सर कि पाकिस्तान अफगान ट्रांजिट ट्रेड की जब हम बात करते हैं तो हमारी मईशत पर उसका काफी मनफी असर मुरतब हो रहा है, तो क्या सर ये अब वक्त आ गया है कि जो इंटरनेशनल लॉज है उसी के मुताबिक इसको भी देखा जाए? बिल्कुल हकीकत है, हमारी जो मईशत जो नीचे आना शुरू हुई है उसकी बुनियादी वजह तो पहले हमारे जो फेटअप के अंदर हम थे ग्रे लिस्ट के अंदर, 8 साल हमें सिस्टमेटिकली उस वहां पे रखा गया जहां पे जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है वो इरोड होता है। फिर उसके बाद ये दूसरा बड़ा फैक्टर है कि अफगानिस्तान से जो ये हमारे यहाँ ट्रेड चल रही है, यानी जो ट्रांजिट ट्रेड की हमने उनको फैसिलिटी दी हुई है जिसके अंदर वो बहुत सारी अशिया मंगवाते हैं और फिर स्मगल करते हैं पाकिस्तान की तरफ, और फिर सिर्फ स्मगल नहीं करते जो कि पाकिस्तानी कानून और इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, बल्कि इसके साथ साथ वो फिर गलत बयानी भी करते हैं रेट्स के हवाले से। जिन रेट्स पर वो मंगवाते हैं जो उनकी असल कीमत है वो नहीं बताते, थोड़ी कीमत बताकर तो हमें जो है वो गुमराह करते हैं। इसके अलावा इस सारी ट्रेड से आप देखते हैं कि जो आपकी जो इंडस्ट्री है, मीडियम इंडस्ट्री या स्मॉल इंडस्ट्री, वो काफी मुतासर होती है। जब बाहर से चीजें आ रही हों तो उसका असर आपकी अपनी जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर पड़ता है,
और फिर अगर इंडस्ट्री बंद होती तो आपको पता है जॉब्स का मसला जो है पाकिस्तान के अंदर वो फिर पैदा होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप फिगर देखें जो दरामदाद मंगवाते रहे अफगानिस्तान वाले, और वो सारी ऐसी दरामदाद है जिसकी कोई प्रोडक्टिविटी आपको नजर नहीं आती, वो सारी इस्तेमाल करने वाली अशियाँ हैं रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर, जिसमें मशीनरी भी है, चाय की पत्ती वगैरह, इस तरह की चीजें आपको नजर आएंगी, तो उसके अंदर तकरीबन 67% कहा जा रहा है कि इजाफा हुआ है। ये ट्रेड हुआ करती थी ट्रांजिट ट्रेड के जरिए कोई $4 बिलियन की, और अब कहा जा रहा है कि 6.7 बिलियन की जो है इसके अंदर इजाफा नजर आता है। तो मैं समझता हूँ वक्त पर इसको कंट्रोल करना पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए इंतहाई जरूरी है, ताकि आपका अपना जो लोकल बिजनेसमैन है, चाहे वो स्मॉल इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता है या मीडियम इंडस्ट्री से, उसका कॉन्फिडेंस बढ़े और वो मजीद इन्वेस्टमेंट करे और मार्केट के अंदर जॉब्स अवेलेबल हो। जी डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा, हमारे अभी एक जो हालिया रिपोर्ट पीएम हाउस में जमा करवाई गई है उसके अंदर स्मगलिंग के हवाले से बड़े होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं, और इसके अंदर एक बड़ी अहम शख्सियात जो है उनके नाम भी आ रहे हैं कि वो इस तमाम तर स्मगलिंग के अंदर मुलव्वस भी रही हैं, और इसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है हम देख रहे हैं हमारी आवाम के ऊपर पड़ता है। अभी आप देखिए चीनी के हवाले से हम बात करें कहाँ 240 पे गई, जैसे ही हुकूमत की जानिब से स्टेक एक्शन लिए गए तो वो वापस 140 पे आ गई है। इसी तरीके से डॉलर कहाँ हमारा जाके इंटर मार्केट के अंदर बात करें तो 335 को छू गया, अब जैसे ही हमने इकदाम लिए स्मगलिंग रोकी तो ये 300 पे आ गया। सर, इस तरह के इकदाम को परमानेंट रखने के लिए कितना जरूरी है, क्या इकदाम आपके ख्याल में उठाए जाने चाहिए, क्योंकि हम तो इससे डायरेक्टली इफेक्ट हो रहे हैं हम और हमारी आवाम। देखिए, असल बात यह है कि कंसिस्टेंसी पॉलिसी जिसकी तरफ आप इशारा देने वो तो होना इंतहाई जरूरी है यार, लेकिन असल ये जो वजह है ये बुनियादी तौर पे रूलिंग इलीट की जो कैप्चरिंग है ना, जिसे हम इलीट कैप्चरिंग कहते हैं, और वहीं पे करप्शन आपको नजर आती है, जिसकी वजह से मैं बारहा कहता हूँ कि आपको कंप्रीहेंसिव रिफॉर्म्स की जरूरत है सारे एरियाज के अंदर। उसके बगैर आप कभी भी मिडिल क्लास को ये मौका नहीं दे पाएंगे, जो कि रीढ़ की हड्डी होती है किसी रियासत की तरक्की के अंदर, वो अपना किरदार अदा करते हैं, वो कभी भी ऊपर नहीं आ सकेगी और वो श्रिंक होती चली जा रही है। और फिर ये जो आपने अफगानिस्तान के हवाले से डॉलर की बात की है, यानी ये जो डॉलर स्मगल होता रहा है, ये जो आपके गंदम और चावल और आपकी चीनी स्मगल होती रही है, पहले तो उसके रेट्स आप बढ़ते हुए देख रहे हैं, और यहाँ पे पाकिस्तान में बदकिस्मती से हमारे जो दो बच्चे हैं उनको ये समझ नहीं आती, और बाहर से भी खैर एक यलगार आपको नजर आती है सोशल मीडिया के अंदर कि वो मिम्स बनते हुए नजर आती हैं। देखिए जी, वो तालिबान मदरसा छाप, वो उनका डॉलर किस तरह से, डॉलर के मुकाबले में करेंसी किस तरह स्टेबल है। ये दो दिन अभी हमने तोरखम का बॉर्डर बंद किया है तो उसके बाद आपने देखा है कि उनका डॉलर जो है डॉलर के मुकाबले में करेंसी महंगी होती चली जा रही है, यानी वो करेंसी उनकी गिर रही है डॉलर के मुकाबले में। तो ये बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान से स्मगलिंग हो रही है ये हमें बहुत बड़ा नुकसान दे रही है। ये चीनी की कीमत में आपने उसकी तरफ इशारा दिया, गंदुम का बहुत बड़ा जब हमारे पास क्राइसिस आता है उसकी प्राइसेस में इंक्रीज होता है, इट इज बिकॉज जो स्मगलिंग हो रही है। और ये स्मगलिंग कौन करते हैं, ये असर रसूख वाले लोग हैं जो इलीट्स के तबके में, रूलिंग इलीट्स में आते हैं, जिसे मैं इलीट कैप्चरिंग कहता हूँ। और ये इलीट कैप्चरिंग आप जब तक नहीं तोड़ेंगे एक कंप्रिहेंसिव रिफॉर्म्स के जरिए से, जब तक आप अपनी पॉलिसीज के अंदर कंसिस्टेंसी भी नहीं रख पाएंगे, और ये देखेंगे जैसे अगर कोई दूसरे लोग आ जाते हैं फिर उनके मफादात आपको पता है सियासी मफादात स्टेक पर आ जाते हैं, वो फिर रिलैक्सेशन देना शुरू कर देते हैं और दोबारा से वो कहानी जो है जीरो से स्टार्ट लेनी पड़ती है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, माहिर बैन अल-अक़वामी उमूर, पाकिस्तान अफगान ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से हमसे बात कर रहे थे, और मुल्की मईशत पर जो उसके गहरे और मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं उस हवाले से अपना तज़िया दे रहे हैं। और अब एक खबर है अहम मुलाकात के हवाले से नाजिया, और वो ये है कि वज़ीर कानून इंसाफ अहमद इरफान असलम ने जो सूबाई वज़राए कानून हैं उनसे इस्लामाबाद में मुलाकात की है, और इस मौके पर हमने देखा है कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के जो आइंदा आम इंतखाबात से मुतालिक उमूर हैं उसके हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। बिल्कुल जी, आइंदा आम इंतखाबात बड़ा ही अहम मरहला जिसकी जानिब हम देख रहे हैं कि काफ़ी मामलात पर बातचीत जारी है, उसी हवाले से यह अहम मुलाकात भी हुई है। मजीद क्या तफसीलात हैं, हमारे नुमाइंदे एजाज हुसैन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे जान लेते हैं। जी एजाज, बताइएगा वुज़रा कानून की मुलाकात हुई है, किन अहम उमू पर बात हुई है? जी बिल्कुल, आज निगरान वफाकी वज़ीर कानून की सदारत में ये मुलाकात हुई है, तमाम जो सूबाई वुज़रा निगरान कानून है उन्होंने मुलाकात की, और मुलाकात में जो आम इंतखाबात हैं उनकी शफाफियत के हवाले से बात हुई, और ये इत्तेफाक राय हुआ कि ये इंतखाबात जो होंगे ये पूरी शफाफ तरीके से होंगे, और इस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है उस पर भी बात हुई, और ये कहा कि इंतखाबात के हवाले से तारीख देना जो है वो इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है, और जो नई कानून साजी हुई है उसके मुताबिक ये मैंडेट सिर्फ इलेक्शन कमीशन को हासिल है,
साथ ये भी कहा गया कि इंतखाबात के शफाफ इनेकाद के लिए कॉन्स्टिट्यूशन यानी आयन की कोई सिर्फ एक शिक को ही ना पढ़ा जाए बल्कि इस हवाले से जितनी शिकें हैं उसको पढ़ा जाए, एक साथ पढ़ा जाए और उसके बाद जो है किसी नतीजे पर पहुंचा जाए। तो ये भी कहा गया कि सिक्योरिटी मामला में ज्यादा जो अखराज कम करने के लिए माजी की तरह एक ही रोज तमाम कौमी और सूबाई असम्बली में इंतखाबात होंगे और जिसमें इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना कलीदी किरदार अदा करेगा और इलेक्शन कमीशन का यही होगा कि जितने भी बाकी महकमे होंगे, जितने भी बाकी इदारे हैं वो मुआवनत करेंगे इलेक्शन कमीशन की है। और साथ ये भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन एक आजाद खुद मुख्तार इदारा है, उसके काम में मुदाखलत ना की जाए और उसमें उसमें जो है वो उसकी मुआवनत की जाए और ये ना कहा जाए चाहे वो कोई भी इदारा है वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत ना करे और इलेक्शन कमीशन को अपना ये जो आईनी फरीजा है इसको ऐसे अंदाज में सर अंजाम देने दिया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस तमाम सूरत हाल से। और नाज़रीन जब हम बात करते हैं किसी भी मुल्क की तरक्की की तो उसमें ये देखना होता है कि जो वहाँ के आवाम हैं वो कितने मुखलिस हैं अपनी मुल्क के साथ, अपनी रियासत के साथ। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो रोशन पाकिस्तान हमें चाहिए तो सही, लेकिन उसमें जो बिजली चोरी है जिसके खिलाफ हम देख रहे हैं कि तमाम रियासती इदारे हुकूमत सर जोड़ के बैठे हैं कि किस तरह से लोगों को पकड़ा जाए और लोगों को गिरफ्त में लाया जाए, तो उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक हम जो है इनको जो है वो इन पर गिरफ्त अपनी मजबूत ना करें। किसी भी माशरे की माशी तरक्की हो या समाजी खुशहाली, तवानाई का शोबा जो है उसकी अहमियत को किसी तौर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे हैं मोहम्मद शाहिद, नाज़िर उन्होंने एक रिपोर्ट भी तैयार की है, नाज़िर को वो दिखाता है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। आईएसको रीजन में सर्विलियंस टीम की भरपूर कार्रवाइयों के दौरान फील्ड फॉर्मेशन ने 228 बिजली चोर पकड़े, जिनमें 197 घरेलू, 20 कमर्शियल, 3 जरई और 8 इंडस्ट्री कनेक्शन शामिल है। आईएसको की जानिब से 3,90,000 से जायद यूनिट्स की मद में 1,70,00,000 से जायद के जुर्माने आयद किए। बिजली चोर सारिफिन के खिलाफ थानों में दरख्वास्तों के इंदिराज का सिलसिला भी जारी है। आईएसको चीफ ने कहा है कि बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला आखिरी बिजली चोर के खात्मे तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इस मुहिम को हर सूरत कामयाब बनाएंगे। मोहम्मद शाहिद, पीटीवी न्यूज, इस्लामाबाद। और जब हम बात कर रहे हैं बिजली चोरों के खिलाफ तो हम ये देख रहे हैं नाज़िया के डिफरेंट जो रीजन्स हैं हमारे, खासतौर पर लेस्को की बात करें, आईएसको की बात करें, मुख्तलिफ डिस्कोर्स की अगर हम बात करें तो वो अब खासे एक्टिव नज़र आ रहे हैं इन तमाम बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई में। लेस्को रीजन ने भी बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन किया है और इस दौरान तमाम सर्कल में 411 कनेक्शन ऐसे हैं जो बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए हैं। बिल्कुल जी, और जितने भी बिजली चोर हैं इनके खिलाफ FIRs भी मुतल्लिका थानों में दरख्वास्तें भी इनके खिलाफ दायर कर दी गई हैं, जिनमें हम देखें 222 FIRs रजिस्टर हो चुकी हैं, जबकि 6 मुलजिमान ऐसे हैं जिनको आयाज गिरफ्तार भी किया गया है। और पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में 2 जरई थे और 12 कमर्शियल्स और 397 डोमेस्टिक थे। तमाम कनेक्शन मुतकता करके इनको 7,57,824 यूनिट्स डिटेक्शन बिल की मद में चार्ज किए गए हैं, जिनकी रकम 3,72,36,679 बनती है। अच्छा, एक चीज जो यहाँ पे नाजिया देखने वाली है वो ये है कि बिजली चोरों के खिलाफ किए जाने वाले जो ऑपरेशन है अब ये बगैर बिला इम्तियाज किए जा रहे हैं, बिल्कुल कोई बगैर किसी तफरीक के किए जा रहे हैं, चाहे वो जरई कनेक्शन है, चाहे वो घरेलू कनेक्शन है या इसके साथ साथ डोमेस्टिक कनेक्शन है, उनके खिलाफ हम देख रहे हैं कि ये कार्रवाइयां जो है वो की जा रही है और कनेक्शन जो है उनको मुनकता किया जा रहा है। जो लोग हमारे प्रोग्राम देख भी रहे हैं उनके लिए भी हम ये गुजारिश करेंगे कि ये आप बुनियादी तौर पर हुकूमत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इस मुल्क के साथ जो है वो ज्यादती कर रहे हैं और आपको खुद एक जिम्मेदार शहरी होने का जो है वो सबूत देना होगा और इस तरह का कोई भी जो अमल है आपको उसको रोकना होगा। एक तरफ जहां दीगर इलाकों में हम देख रहे हैं कि ये कार्रवाइयां चल रही हैं तो वहीं मैपको रीजन जो है वो भी बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखे हुए है और मजीद 265 अफराद ऐसे हैं जिनको बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया। बिल्कुल जी, और दूसरी जानब 2,62,00,000 रुपए की अदायगियां न करने पर 25 से ज़ाइद ट्रांसफार्मर्स ऐसे हैं जिनको उतार भी लिया है। मजीद तफसील बताएंगे शिराज दुरानी। बिजली चोरों के खिलाफ मैपको हुक्काम और अहलकार बिजली किसी तेजी से एक्शन लेने में मसरूफ हैं। गुज़श्ता 6 रोज के दौरान जनूबी पंजाब के तमाम अजला में 1800 से ज़ायद सार्फीन की बिजली चोरी पकड़ी गई। ऑपरेशन के 6 रोज मजीद 92 अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज कराए गए जबकि 2 करोड़ रुपए से ज्यादा जुर्माना आयद किया गया। मुल्तान की मसरूफ बाजार गर्देजी मार्केट में बॉयज हॉस्टल और मुमताजाबाद में 10 दुकानों की बिजली चोरी पकड़ी गई।
बस्ती रंधानी, बस्ती शेरू खान और बस्ती फैजुल्ला तंबानी में 50 से जायद घरों को 7 मीटर के जरिए चलाने और बिजली चोरी पकड़े जाने पर ट्रांसफार्मर उतार लिए गए। चोटी जेरी और शादन लुंड समेत रुझान और राजनपुर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात के इंदराज के लिए मुतलका थानों में दरखास्तें जमा करा दी गईं। सुबह शाम हमने इसके ऊपर कार्रवाई भी की है, बड़े बड़े बिजली चोर भी पकड़े हमने और अभी तक इस वक्त तक जो है ना हमने 400 बंदे के करीब तकरीबन FIR हम करा चुके हैं। इसी महीने हमारे पास कोटा 2 डिवीजन की चौक सर्वर शहीद जो हमारे पास है उसमें हमने 9 पर्चे करवाए हैं और 2 बंदे गिरफ्तार भी करवाए हैं। मैपको रीजन में नादहिंदा ज़रई सनती और तजारती सार्फीन के खिलाफ रिकवरी ऑपरेशन भी पूरी कुव्वत से जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में नादहिंदगी पर कनेक्शंस मुनकता होने पर 10 डिफॉल्टर्स ने 2.5 करोड़ रुपए के वाजबात अदा करके कनेक्शंस बहाल कराए। मेलसी, लोधरा, अहमदपुर शरकिया, कोटद्दू और रहीम खान में भी बिजली डिफॉल्टर्स के मीटर्स और ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। लाहौर की बात भी आपको बता दी, मुल्तान के हवाले से भी क्या खबर है इस हवाले से बताया। अब आपको ये चलते हैं बलोचिस्तान। बलोचिस्तान में भी बिजली चोरों और जितने भी नादहिंदगान हैं उनके खिलाफ कोयटा, पशीन, लौरालई, सिब्बी, खुजदार, मकरान, इन सब इलाकों में भरपूर अंदाज में कार्रवाइयाँ जारी हैं। और हम ये देख रहे हैं कि बिजली चोरी की रोकथाम के लिए सूबे में अब तक अगर बात की जाए नाजिया, तो 756 कनेक्शन में से 585 बिजली चोर जो हैं वो मुलव्वस हैं इसमें, और बिजली चोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए 585 दरख्वास्तें जो हैं वो मुतालिका थाने जो हैं उनमें दायर कर दी गई हैं। अब देखिए, जब इतनी बड़ी तादाद में मुल्क में बिजली चोरी हो रही है तो उससे आप अंदाजा लगाएं कि इसका तमाम तर जो असर है वो आम सार्फीन पे आ रहा है। जो जो रेगुलर पे कर रहे हैं अपने बिल्स को, ये उन पर बड़ी सख्त ज्यादती है उनके साथ, और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि आईनी हाथों से ऐसे नादहिंदगान को और ऐसे बिजली चोरों को जो है वो डिफॉल्टर्स को पकड़ा जा रहा है। और ये भी कहा गया है कि किसी कीमत पे कोई भी कोई रियायत नहीं बरती जाएगी ऐसे लोगों से। जी हाँ, और ये बहुत ज़रूरी है, ये कार्रवाइयाँ बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, शायद ये हो जाती तो इस तरह जो बिजली के बिल इस दफ़ा हमने देखे हैं आवाम के साथ जो सूरत हाल जो है वो हम देख रहे हैं, ये कभी भी नहीं होती। जाहिर है जब आप हुकूमत बिजली पैदा करके दे रही है आपको तो आपके पास, हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया यह है क्योंकि हम जो हमारे यहाँ बिजली पैदा होती है वो बेसिकली दरामदी फ्यूल की वजह से है, और वो दरामदी फ्यूल जब आपका इस्तेमाल होता है इसकी वजह से बिजली की कीमत आपकी महंगी होती है, और फिर ऐसे चोरों की वजह से आम जो सार्फीन है उनको इसका बिजली का बिल देना पड़ता है। उकाड़ा में भी ऐसे ही लोगों के खिलाफ जो हैं वो कार्रवाइयां की गई हैं, और इन कार्रवाइयों के हवाले से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशरफ जो हैं वो तफसील बताएंगे। लेस्को सर्कल 4 की तरफ से बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला आज भी जारी रहा। लेस्को उकाड़ा की हदूद में ऑपरेशंस के दौरान 269 बिजली चोरों के कनेक्शन पकड़े गए, जिनमें जरई 6, कमर्शल 5 और 258 घरेलू कनेक्शन शामिल हैं। इन तमाम कनेक्शंस को मुनकता करके 2,16,27,246 रुपए जुर्माना आयद किया गया है, जिसमें से 10,05,500 रुपए जुर्माने की मद में वसूल किए गए हैं। बिजली चोरी के खिलाफ जो गवर्नमेंट ये काम कर रही है ये बहुत अच्छा काम है, इससे लोगों के बिलों में कमी वाकई होगी। जो बिजली वो चोरी करते हैं उसका अदाला हम दे रहे हैं, बिजली चोरी करने वाले कोई हैं और उसके बिल हम अदा करते हैं। बिजली चोर जो चोरी करते पैन मुल्क का भी नुकसान करते पैन, आवाम का भी नुकसान करते पैन। सख्त एक्शन ले जो बिजली चोर का चोरी कर रहे हैं ताकि आम गरीब बंदे को उसका फायदा हो। 156 बिजली चोरों के खिलाफ FIRs भी मुतलका थानों में दर्ज कर दी गई हैं, जिसके नतीजे में 17 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। जिला भर में मजमुई तौर पर 269 बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई, जबकि बकिया बिजली चोर बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। मोहम्मद अशरफ, PTV न्यूज़, रिनाला खुर्द, उकाड़ा। उकाड़ा की सूरत हाल आपने जानी मोहम्मद अशरफ से, लेकिन हम देखें अगर अयाज तो उधर बहावल नगर में भी बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर अंदाज में कार्रवाइयां जारी हैं, और इसी हवाले से राना फैसल रहमान इन चोरों की डिटेल हमारे से शेयर करेंगे। मुल्क भर की तरह भावल नगर में भी बिजली चोर अनासर के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। इस वक्त जो है भावल नगर और भावल नगर की चारों तहसील जिसमें मिंचनाबाद, फोटाबाद, हरूनाबाद, चिश्तियाँ जो है वो शामिल है, यहाँ पर जो है तकरीबन जो मैपको टीमें जो है वो मुतारिक हैं। इनके हमरा जो है पुलिस की भारी नफरी भी जो है मौजूद है, और मुख्तलिफ जो है इलाका में जो ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। अब तक जो है तकरीबन 1500 से ज़ायद जो है रेड्स किए गए हैं, जिनमें तकरीबन 85 बिजली चोर अनासर हैं उनको गिरफ्त में लिया गया है, और उनके खिलाफ जो है मुकदमे का इंदराज भी कर लिया गया है। अब तक जो है तकरीबन 56,46,930 रुपये की जो है रिकवरी की जा चुकी है, और इसके अलावा जो है ऐसी वापडन है जो है वो कल से
तमाम टीमों को हिदायत कर दी है कि जो डिफाल्टर हैं इनके खिलाफ भी जो भरपूर ऑपरेशन किया जाए और इनसे रिकवरी की जाए। अब जो है कल से ऑपरेशन जारी है, कई ऐसे प्लाजे हैं, कई मार्केट्स हैं, वहाँ पर जो है ऑपरेशन जारी है और उनसे जो है रिकवरी का सिलसिला जारी है। अब तक जो है तकरीबन दर्जनों ट्रांसफार्मर जो हैं वो उतार लिए गए हैं और मीटर्स जो हैं उतार लिए गए हैं। इसी वाबडा का ये कहना है कि जब तक जो डिफाल्टर हैं वो रिकवरी नहीं देंगे उस वक्त तक तो ये जो मीटर्स हैं ट्रांसफार्मर हैं ये नहीं लाए जाएंगे। और यहाँ पर जो है तमाम टीमें मुतहरिक हैं और एक ही विजन है इनका कि बिजली चोर अनासुर का जो है वो खात्मा करना है और इसी पे जो है कारबंद है तमाम टीमें और अपना अपना काम जो है अपने अपने इलाकों में जो है वो जारी रखे हुए हैं। और चोनिया में भी बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है जिसके बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं सलमान यूसुफ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और लेस्को चीफ की खसूसी हदायत पर चुनिया सब डिवीजन में भी बिजली चोरों के खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है जिसमें 400 से ज़ायद बिजली चोरी में मुलव्वस शहरियों को मौके पर पकड़ा गया, जिनमें 9 जो आदि बिजली चोर थे उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई गई है और उनको मौके पर गिरफ्तार भी करवा दिया गया है। इस ऑपरेशन में तहसील इंतजामिया चुनिया, DSP चुनिया और SDO चुनिया शामिल है। SHO चुनिया सिटी थाना की टाउन से ऑपरेशन किया जिसमें 9 बंदे हमने ऑन द स्पॉट गिरफ्तार किए और उनके खिलाफ हमने पर्चा दिया है। इसके अलावा हम डेली बेसिस पे पर्चे करवा रहे हैं। इसको हुकाम का कहना है बिजली चोरी में मुलव्वस किसी शहरी को किसी किस्म की राहत नहीं दी जाएगी। बिजली चोरी में मुलव्वस शहरियों को भारी जुर्माने और FIR का सामना करना पड़ेगा। एक तरफ हमने बात की बिजली चोरों के हवाले से तो दूसरी जानिब जो एक और बड़ा अहम इशू हमने देखा नाजिया जो हमारे लोग जो है वो देख रहे हैं और उसमें उसकी वजह से परेशानी का सामना वो है चीनी जो कि एक बुनियादी जुज है आपके रोजमर्रा की इस्तेमाल के अशिया में और उसकी कीमत में एकदम हमने देखा कि 240 रुपये पर KG जो है यहाँ तक पहुँच चुकी थी और चीनी हम खुद पैदा करने वाले मुल्क हैं लेकिन हमने ये देखा कि अब हुकूमत की जानिब से जो पॉलिसियाँ हैं उनमें मुख्तलिफ जो चीनी चोर हैं जखीरा दोस्ती में कहूँगा ये भी चीनी चोर हैं जिन्होंने मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है इनके ऐसे लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां की जा रही हैं और कोयटा के इलाके सरयाब के अंदर जो है वो मुख्तलिफ जखीरांदोजों के खिलाफ ये कार्रवाइयां की गई हैं और 475 टन चीनी बरामद की गई है। बिल्कुल जी, और यही काविशें हैं जिनके नतीजे में हम देख रहे हैं कि कोयटा में जो चीनी की कीमत है उसमें अयाज काफी हद तक कमी वाकई हुई है और ये जो मसनू किल्लत पैदा करने वाले जो होर्डर्स हैं इनको भी आईनी हाथों से निपटा जा रहा है और ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि जिस दीन के हम पैरोकार हैं उधर हम जो बात कर रहे होते हैं हकूक के हवाले से लेकिन अपने फराइज को बहुत ज्यादा नजरअंदाज कर रहे होते हैं। डेयर खान का रुख करेंगे तो वहां पर भी पुलिस ने स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखा हुआ है और DIG नासिर महमूद सत्ती जो हैं उन्होंने आदाद व शुमार भी शेयर किए हैं नाजिया और वो बताते हैं कि 2 हफ्तों की अगर बात की जाए गुज़िश्ता तो इसके दौरान 45 करोड़ 67 लाख रुपए मालियत का नॉन कस्टम पेड सामान जो है वो पुलिस ने कब्जे में लिया है और कस्टम हुकाम के हवाले किया और स्मगलर जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखते हुए 2,40,000 लीटर ईरानी तेल, गजाई अजनास और दीगर सामान जो है वो भी पकड़ा गया है। और अच्छा, अभी तक अगर हम सूरत हाल की बात करें नाजिया तो अभी जो इस वक्त मुल्क के अंदर हम सूरत हाल वो देख रहे हैं कि ऐसे तमाम अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, चाहे वो बिजली चोर हैं, चाहे वो चीनी चोर हैं या वो हुंडी हवाले के कारोबार में भी बड़ा मसला है। और FIA ने ऐसे ही हवाला और हुंडी में काम करने वाले जो लोग हैं KPK जोन में उनमें अपनी जो कार्रवाइयाँ हैं उनको तेज कर दिया है और तर्जमान FIA ये कहते हैं कि हवाला, हुंडी और गैर कानूनी जो करेंसी एक्सचेंज है उसमें मुलव्वस 4 मुलजमान गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल जी, और ये जो मुलजमान गिरफ्तार हुए हैं मजमुई तौर पर 46,35,000 रुपए और हवाला हुंडी से मुतालिक इनसे शवाहिद भी हासिल किए गए हैं और इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है, तफ्तीश का आगाज भी हो गया है और अब ये कानून के की गिरफ्त में जो है वो आ चुके हैं। और नाज़रीन इसी के साथ हमारा प्रोग्राम पहुंचता है अपने इख्तिताम को। न्यूज़ शो @6 की टीम को इजाजत दीजिए, आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नाजिया और मेरी जानिब से अल्लाह ने के बाद।